फिर स्वागत है बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करेंगे और बातचीत के लिए जो हमारे मेहमान होंगे मैं उनसे आपका तारुफ कराएंगे। और आज का जो मुद्दा है ओवैसी का धर्मयुद्ध, इस पर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे परिचय करा दें आपका। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी होंगे हमारे साथ जो कि मुंबई से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत लखनऊ से हमारे साथ होंगे। सुनील यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। आदिल हसन नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हैं AIIMIM से। और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे और इस मुद्दे पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आज का जो सवाल है, आज का जो मुद्दा है, उस पर सबसे पहले बात क्या है इसको समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी बाब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि जब अखलाक को मारा गया था यही उत्तर प्रदेश में, जमाने ने देखा कि पीलू खान को रोड पर मारा गया, दुनिया ने देखा कि अकबर खान को मारकर उसके जिस्म को जलाकर उसका वीडियो बनाया गया, मुल्क ने देखा बल्कि सारी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया कि झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को सरे बाजार पीटा गया। तो कहने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत नजदीक हैं। कहना मतलब इसका कोई इसके लिए लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं। मेहमानों का सीधे रुख करेंगे जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। आदिल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हैं AIIMIM। और 20 सेकंड आपके पास हैं जनाब अपनी बात कहने के लिए, और आप अपनी बात कहिए, बेरोक टोक कहिए। लेकिन सवाल मेरा सबसे बड़ा जो है, सारे लोग ये पूछते हैं, जिसको कि ओवैसी साहब ने आज खुद भी कहा कि मुसलमानों को बीजेपी की बी टीम, मुसलमानों को नहीं एक्चुअली में MIM को बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है, यह सवाल सबसे बड़ा है। और यही सवाल आज इसी से आगाज करेंगे। MIM आपके लिए सवाल यही है, 20 सेकंड आपके। बी टीम बोले, सी टीम बोले, डी टीम बोले, उससे MIM को फर्क नहीं पड़ता है। हम उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे, गाजियाबाद से गाजीपुर का चुनाव लड़ेंगे। और बिहार में आपने देखा हमने 5 सीट जीता और 5 सीट में NDA हारी है। तो ये सेकुलर पार्टी को पेट में दर्द होता है, वो होने दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, ना MIM को चिंता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमान उनका बंधुआ गुलाम है। ना मुसलमान इस देश में बंधुआ गुलाम है, ना दलित इस देश में बंधुआ गुलाम है, ना कोई समाज का लोग बंधुआ गुलाम है। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमने पहले बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को न्योता दिया था कि आप आइए मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि UPA 1 में हम जब थे, UPA 2 में हम जब थे, तो उस वक्त आपको क्या दिक्कत थी? आपको अगर मुसलमान है, दलित है, अगर अपनी आवाज़ बनाना चाहता है तो आपको क्यों दिक्कत होता है? आज राजभर समाज की एक आवाज़ है, आज मांझी समाज की एक आवाज़ है, आज निषाद समाज की एक आवाज़ है। मुसलमानों के साथ 72 साल सब ने ठगा। सच्चर कमीशन रिपोर्ट आपके सामने है, आपके सामने रंगनाथ मिश्रा कमीशन को भी मिले। समाजवादी पार्टी और BSP भी कह रहे हैं, ये तो उन्हीं का, वो तो कह रहे हैं कि हम तो लड़ते हैं, अकलियतों के लिए मुद्दे उठाते हैं, तो आप तो उन पर भी सवाल कर देते हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी से पूछिए, मुजफ्फरनगर कितना दूर था अखिलेश जी से? मुजफ्फरनगर का घाव अभी तक पटा नहीं। अखिलेश जी उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम उनसे अनुरोध करते थे, पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ मुजफ्फरनगर में। चीफ मिनिस्टर की रिस्पांसिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हम अगर मुजफ्फरनगर पे सवाल करते हैं तो अखिलेश जी को बेचैन नहीं होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इंसाफ, एक आदमी जब संविधान का शपथ लेता है तो वो सब समाज का होता है, चाहे वो सबसे निचले स्तर के लोग हो या सबसे ऊपर, इंसाफ का राज होना चाहिए। हम अखिलेश जी से भी वही अनुरोध करते हैं। आज दंगा जो सबसे ज्यादा हुआ, आज जो कांग्रेस के शासनकाल में अगर भागलपुर हुआ, मलियाना हुआ, मेरठ हुआ, आपको अगर बोलना क्या गुनाह है, आप बोलिए, हम इंसाफ की बात करते हैं। MIM का एक MIM आजादी के आज 72 साल हो गए, MIM को बने हुए 62 ईयर्स हुआ। आप हैदराबाद इज ए मॉडल स्टेट, मॉडल कंस्टिट्यूएंसी है, दारुसलाम हमारा जो हर दिन खुला रहता है हर आवाम के लिए, अगर सिर में किसी का तिलक है या टोपी है या किसी को पगड़ी है, हम सबका इस्तकबाल करते हैं और हम सबसे साथ जुड़े रहते हैं। और 1984 से लेकर अब तक हम हैदराबाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जीतते रहे, ये आवाम की मोहब्बत है, उसमें हर समाज के लोग का वोट मिला, हर तबके का वोट मिला, हर लोगों ने हमें सम्मान दिया। सुनील यादव को बतला दो, 1996 में वेंकैया किसी धर्म का, वो सबके लिए राइट, आदिल भाई की पहचान है। राइट 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 जनाब,
सुनील यादव जी, प्रतीक जी, जी सवाल आपके सामने है। सीधा सवाल उन्होंने कह दिया कि कितने नजदीक था लेकिन फिर भी दंगा हुआ, दंगा हुआ, मलहम तो लगाया नहीं आपने। सीधा सवाल आपसे, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, उनका कहना है मुसलमानों का इस्तेमाल किया सिवाय इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए प्रतीक जी, समाजवादी पार्टी किसी जाति और मजहब की बात नहीं करती। ठीक है, उनको आरोप लगाना है, वो अपने को ए टीम कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई भी दल जब चुनाव लड़ने आएगा तो सरकार से सवाल पूछेगा ना। आप कांग्रेस से पूछ रहे हो, सपा से पूछ रहे हो, बसपा से पूछ रहे हो, तो आप किसकी मदद करना चाहते हो, आप किसकी सरकार बनाए रखना चाहते हो? हम इस पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता है वो हमसे, आपसे और इनसे ज्यादा समझदार है। वो जान रही है कि कोरोना में क्या हुआ, वो जान रही है कि किसान की हालत क्या है, वो जान रहे हैं बेरोजगार नौजवानों की हालत क्या है। ऐसे माहौल में जब उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, तब जात के झगड़े में फंस के, धर्म की पुरानी बातें करके, पुराने घाव क्रोध करके, आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। भारतीय जनता पार्टी भी तो चाहती है कि डेवलपमेंट में बहस। आदिल हसन, आदिल, आदिल जवाब दीजिए, आदिल हसन जवाब दीजिए। वो नहीं चाहती कि रोजगार पे बहस हो, महंगाई पे बहस हो। राइट सर, राइट सर, मैं आता सुनील आता हूं। अखलाक, अखलाक किया जाना कोई गुनाह है क्या? अखिलेश यादव जी से सवाल करना कोई गुनाह है क्या? हम अगर बीजेपी के ट्रिपल तलाक में अगर किसी ने बोला तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर कश्मीर के मुद्दे पे बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर दलितों को, मुसलमानों पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर जुल्म हुआ है तो सबसे पहली आवाज अगर उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अखिलेश जी कहां थे भाई पहलू खान के मामले में? आप लोग के घर में आपके वो चीफ मिनिस्टर बनाया, आपके पूज पिताजी को हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, आपके चाचा जी को राज्यसभा दिया, आपके चाचा जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हुआ, ज्यादती, उस पर भी तो कुछ मलहम लगाइए। आज आप खुद बतलाइए कि कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। गंगा में लाशें बही, अगर इंसाफ की बात करना क्या गुनाह है? हम उत्तर प्रदेश की आवाम से मुअद्दबाना अपील, गुजारिश, अनुरोध करते हैं कि आप एक बार इस कियादत को मौका दीजिए। हम हक की बात करते हैं और हम अपने आखिरी नज़र तक सुनील यादव जाएंगे। सुनील यादव, बीजेपी से हमारी दुश्मनी रहेगी, कल वो लड़ाई लड़ेंगे हम। बीजेपी और एमआईएम, सुनिए आदिल भाई, आसमान और जमीन का फर्क है, आदिल भाई, बीजेपी और एमआईएम का फर्क है, याद रखिएगा। राइट आदिल, सुनील, 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 देखिए हम तो नहीं कह रहे ना आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। देखिए हमारी लड़ाई आपसे है ही नहीं भाई, आप पहली बात ये समझिए। हम भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहते हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस से कहां लड़ेंगे, हम आपसे क्यों लड़ेंगे, हम बसपा से क्यों लड़ेंगे भाई? हमारी तो आपकी लड़ाई ही नहीं है। हम तो भाजपा को हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की